शुक्रवार को चंडीगढ़ के भखना भवन सेक्टर 29 डी में इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फूड कॉरपोरेशन सेक्टर 31 चंडीगढ़ द्वारा करवाया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अर्थ प्रकाश टीम से बातचीत के दौरान तन्वी नेगी ने बताया, मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ। मैम आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज जो वुमेंस डे मनाया जा रहा है, वुमेंस डे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वुमेंस डे के बारे में वैसे तो हम सब जानते हैं कि आज से 100 साल पहले नारी की क्या स्थिति थी जी। उस टाइम जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स ही नहीं दिए जाते थे लेडीज को, वुमेंस को, और उसके लिए हमारे जो है किसी मिल में काम करने वाली लेडीज थी वहाँ पर दूसरे कंट्रीज में, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हमें हमारे राइट्स दिए जाएं। तो सबसे पहला जो राइट मिला था, राइट टू वोट मिला था, तो उसी को से स्टार्ट हुआ। तो ये होते होते आज लगभग 100 साल हो गए इस चीज़ को, 1909 में स्टार्ट हुआ था ये। मैम मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि 8 तारीख को, आप जैसे पर हम सारे जानते हैं 8 तारीख को वुमेंस डे था, तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि इतना डिले हो रहा है और आज सेलिब्रेट किया जा रहा है? बिकॉज हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो यहाँ अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से हमें परमिशन देनी पड़ती है कि हाँ परमिशन हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम जो फीमेल चार्ज पार्टिसिपेट करें, हर एक का ये डे का चेंज जो डेट है नहीं होता है, तो हम हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, उनके चलना चाहते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हमारे बहुत चीज़ें होती हैं डिस्कशन करने के लिए, हम एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे बाहर से किसको बुलाते हैं तो एक जनरल डिस्कशन होता है, हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे हमने किसी को इन्वाइट किया है तो हमें सीखने के लिए कुछ मिलता है, या एक दूसरे को बताने के लिए मिलता है, हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। हम बच्चों को सारे टीवी में डाल के रखे हैं और यहाँ पे बैठ के हम डिस्कशन करते हैं, तो हमें भी जैसे हमने बड़े बच्चे पेरेंट्स के साथ में दादा दादी नानी के साथ टाइम गुजारा है, वैसे हमारे बच्चे आज के डेट में गुजार पाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कशन में और कुछ सीखने को मिलता है। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ ज्योति दत्ता की रिपोर्ट।